ब्रेक के बाद कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव पर हो रही जंग की। बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेल रही है। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से बीजेपी ने भी दलित प्रत्याशियों को अपनी तरफ से खड़ा किया है, और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहां पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कौल को अखिलेश यादव ने इस उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया। यानी कि जो जंग है बहुत तेज होती जा रही है, और कल आपको बता दें कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा हम रुख करेंगे शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, हालांकि आपके पास संख्या बल भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कांग्रेस को लेकर, तो उन खामियों को किस तरीके से आप दुरुस्त करेंगे आगे के लिए? देखिए, हम जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जनता के बीच में और अच्छे से संघर्ष करेंगे, जाएंगे और रिजल्ट अच्छा देंगे, हमारी बढ़ेंगी, तमाम चीजें होंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन सब के ये सारी चीजें होते हुए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बहुमत की है पूरी ताकत के साथ है, एक अच्छे मैंडेट के साथ है। लेकिन विकास के नाम पर आज राजधानी में कहां क्या, कौन सा अस्पताल नया बन गया है, किस अस्पताल में सुविधाएं चेंज हो गई है, कहां मशीनरी का बहुत तेज उपयोग हो रहा है, जिस अस्पताल में या जिस विभाग में जाना है अच्छा भ्रष्टाचार को पकड़ना है उस विभाग में ही भ्रष्टाचार चल रहा है, वहां खुद जिनको पकड़ना है वो लोग खुद ही अपने तबादले को लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो विकास की गति होनी चाहिए इस तरह की बहुमत की सरकार के साथ, मुझे लगता है विकास तो कहीं है ही नहीं, शून्य पड़ा है। अभी तक स्कूल के बच्चों को ड्रेसेस तक नहीं मिली थी, और आप सोचिए ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने आरोप लगाया 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और उसके बाद इनकी सरकार आती है, वो इस सारे लोग जिनको हमने जेलों में भेजा था इनके आरोपी बताते हुए आरोपी मान करके, और वो सारे लोग पायदान करी हुए, तो ये क्या माना जाए कि इस तरह की सरकारें केवल उत्तर प्रदेश की जनता को या देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है? आज भी कोई विकास के नाम पर क्या है कुछ बताइए? आप रिवर बैंक घोटाले की बात कर रही है, रिवर फ्रंट की, कौन उसमें आदमी पकड़ा गया, किसको जेल में भेज दिया, क्या हो गया, क्या खुलासा हुआ, कुछ पता लगा अब तक आपको? अभी 100 दिनों में तमाम लोग पकड़े गए, तमाम घोटाले पकड़े गए, क्या किसी पर कोई कार्रवाई हुई? शून्य। ये सिर्फ और सिर्फ ताल बजाने का काम कर रहे हैं, और ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है, इतने बहुमत के साथ सरकारें हैं बनी, उसके बावजूद जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाते हैं, उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कोरोना के समय में स्कूल के बच्चों की फीस तक नहीं माफ हुई, आज फीस की स्थिति बढ़ी हुई है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐलान, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर इस सरकार का आलम ऐसा है कि मुंसिफ बिका है, गवाही बिकी है, और जिस कलम से न्याय होना है वो स्याही बिकी है। केवल बुलडोजर का नाम ले लेना है, बिल्डोजर क्या कर रहा है, उस बिल्डोजर के बहाने कौन से लोग क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर कोई जांच नहीं होगी, जांच करने वाला हमने आपको पहले बता दिया क्या है। तो ये लंबोट बात जो एमएलसी जिनका एमएलए जिनका जो ताकत मिलती है जनता के जो ताकत देती है, उस ताकत का जो दुरुपयोग हो रहा है, उस ताकत से जो अहंकार भरी बातें हो रही है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम भर्तियों में लीकेज, क्या लगता है लीकेज क्या है? कोई अच्छी चीज है? आप पर्चा आउट होना, पेपर लीक होना, ये सारी हर जगह मतलब हर डिपार्टमेंट में लीकेज है, तो आप लीकेज नहीं सह पाए 5 साल में तो आगे क्या काम करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता का भविष्य अंधकार में है, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है शबनम जी, इस पर जवाब दीजिए, आ रही हूँ चंचल जी आपके पास। आ रही देखिए, अगर विपक्ष हार की हताशा में सब कुछ देखना बंद कर दिए और घर में जाके बैठ गए हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें कोई विकास नहीं दिखेगा। ये चुनाव में गए 2022 में, इन्होंने साफ तौर पे ये सारी बातें रखी, लेकिन जनता जानती है कि अगर ODOP को ही देखिए तो 1196 उत्पाद ऐसे हैं जो Amazon में लिस्टेड हैं। उसके अलावा आप समझिए सभी जिलों में किसी न किसी उत्पाद का जिसको ODOP में रखा गया है उसका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। 1000 करोड़ से ज्यादा की भी संपत्तियां माफियाओं का बुलडोजर से बुलडोज किया गया और जब्त किया गया।
इस पर ये आंसू बहाते रहते हैं। सौभाग्य योजना देखिए, आयुष्मान सम्मान आयुष्मान योजना, मुद्रा योजना, आवास उज्ज्वला और जन औषधि केंद्र जो पहले कहीं नहीं देखा जाता था, आज 1004 जन औषधि केंद्र मिलते हैं जिसमें कि तमाम दवाइयां जो एसेंशियल दवाइयां हैं वो सस्ते दामों में गरीब जनता को मिल रही है। खाद्यान्न आप जानते ही हैं, डीबीटी के माध्यम से हम आर्थिक मदद लोगों को दे रहे हैं, आवास बन रहे हैं, अमृत योजना के तहत हम 60 शहरों में हम पेयजल पहुंचा चुके हैं। अब आप ये बताइए कि बिजली हो, खाद्यान्न हो, किसान सम्मान योजना हो, आयुष्मान भारत हो, तमाम योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और अभी तो आज ही प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक बहुत बड़ी बात बताई, खिलौने जैसी चीज जिसके 3000 करोड़ की आयात हुआ करते थे उसमें 70% की कमी आई है, आज हम 2600 करोड़ के निर्यात कर रहे हैं खिलौना। तो देखिए देश हर जगह बदल रहा है। आज हमारा अगर जुडिशियल सिस्टम देखिए तो न्यायालय को हम ई न्यायालय में बदल रहे हैं। आप जो भी सिस्टम देखिए, आज जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप हमारी बढ़ी है। स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 17% की बढ़ोतरी स्टार्टअप में हुई है जब से हमने सत्ता संभाला। तो चौतरफा विकास दिख रहा है और इस विकास से जनता लाभान्वित हो रही है और जनता इस बात को मानती है। तभी तो 37 साल बाद इनके सारे बातें बोलने के बावजूद जनता ने हमें जनादेश दिया। अगर ये जनता के जनादेश को झुटलाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि ये जितने धरातल पर कार्य हैं ये हम टीवी चैनल पे या किसी और माध्यम से झुटलाएंगे तो जनता के सामने ये झूठे कहलाएंगे। क्योंकि आज लाभार्थी वर्ग पूरे प्रदेश में हर चप्पे चप्पे पे भरे हुए हैं और किसी को किसी योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को किसी। युवा बच्चों को जो गरीब हैं, अभ्युदय योजना के तहत हम कोचिंग तक दिलाते हैं ताकि वो अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन क्रैक कर सके। अब कॉम्पिटिशन क्रैक करना केवल अमीरों की बात नहीं रहेगी, वो गरीब वो काबिलियत रखने वाले बच्चे अभ्युदय योजना के तहत रजिस्टर कराते हैं और कोचिंग ले रहे हैं। तो चौतरफा विकास देखने को मिल रहा है, उस पर भी ये आंख बंद कर ले और विधान परिषद के चुनाव को कहें, चुनाव का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद निश्चित तौर पे जवाब हाशिए पे हो तो अभी प्रयागराज से एक बच्ची दौड़ती हुई मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के लिए आई, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी से मिली। मुख्यमंत्री जी ने तमाम आश्वासन दिए लेकिन आज तक उसे किसी भी प्रकार की सरकारी कोई भी मदद नहीं मिली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ में बैठी प्रवक्ता महिला शक्ति की पुरोधा है, अधिवक्ता भी है और काफी समय से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दे रही है। इनका क्या विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने बताया मुझे? तो इस बात जब ये अपने साथ के लोगों का विकास नहीं कर रहे हैं तो आम जनमानस का क्या विकास करेंगे? हमारे साथ में है, हम तो बहुत करीब से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर जो है समर्थन करती है, पूरी ताकत देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक रत्ती विकास इनका नहीं किया। क्यों भाई? ये भी तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लड़ रही हैं। क्या क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनके लिए पता है? मैं जाऊँ तो कुल मिलाकर के इनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नारे पर विश्वास रख रही है, चौबंदी पर विश्वास रख रही है, जनमानस के लिए कहीं कोई भी जो है परियोजना में जनमानस के जमीन में कहीं कुछ है नहीं। शबनम जी को आप बात बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के अगर 100 ATM में आप जाएंगे तो आपको 50 पैसा नहीं मिलेगा, 50। और ये बात शबनम जी, ये बात आपको माननी होगी शबनम जी, ये दिक्कतें हैं वाकई में धरातल पर, ये दिक्कतें हैं। ठीक है चंचल जी अपनी बात कंटिन्यू। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले तो शहर में पानी की समस्या, लखनऊ शहर में डायरिया फैला हुआ है, तमाम जगह अलीगंज हो, पूर्णिया हो, तमाम जगह पर जो है विकास नगर हो, डायरिया फैला हुआ है। शबनम जी से जवाब सुन लीजिए, 7 करोड़ लोगों को 7-8 करोड़ लोगों ने क्या क्या किया मैं भी बता उससे एक्सप्लेन करता हूं, समय दे दीजिए 1 मिनट के लिए मुझे भी। ठीक है हाँ, देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने सभी को दे दिया, हम लगातार और भी प्रयास करते हैं और जहां कमियां होती है उसको हमारी सरकार लगातार पूरा करती है और जहां भ्रष्टाचार उस पर लगाम लगाने का। जो महिला जो बच्ची मुख्यमंत्री से मिलकर आई है उसके विकास में क्या किया? उसमें कुछ नहीं किया है तो कैसे मान लिया जाए कि बाकी परियोजनाएं आपकी ठीक चल रही है?
स्वाति जी मैं तुम्हारी फाइलों में जो मौसम गुलाबी है ये दावा झूठा और आंकड़े किताबी है। स्वाति जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज को करेक्ट कर दूं, जो भी सलेन जी ने बोला बहुत सही बात बताया इन्होंने। मैं ये भी कह सकता हूं कि शबनम जी जिस गली में रह रही होंगी, अगर रोड वहां की टूटी है ना, तो अपने अपने एरिया की रोड भी नहीं बनवा सकती हैं। आज के टाइम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हालत यह है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई मैं चैलेंज साथ कह सकता हूं कि इनके अगर मोहल्ले की रोड खराब होगी तो ये रोड भी नहीं बना सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि चैनल बहुत बड़ा चैनल है, पूरे देश से प्रदेश लोग देखते हैं, इसलिए शबनम जी ने जो बोला था, जो आंकड़े पेश किए थे, उन्होंने बताया था कि पहले 17% की बेरोजगारी दर थी। उसको मैं करेक्ट कर देता हूं कि सरासर झूठ आंकड़ा, फेक आंकड़ा है। मैं अभी आपके सामने बता देता हूं कि जब 2014 में आप आए थे तो 5.36 बेरोजगारी दर थी, और आज हिंदुस्तान के अपने आजादी के बाद 48 मतलब पिछले 48 वर्षों के सबसे ज्यादा जो है आपकी बेरोजगारी दर आज के टाइम में आपके शासन में है, वर्तमान में 9.10%। इसलिए जो आप 4% बता रही थी, तो प्लीज फेक आंकड़े जब आप यहां से बोलोगे तो पूरा देश देखता है, पूरा प्रदेश देखता है। मैं उस बात को यहां पे खत्म करूंगा। चंचल जी सुन लीजिए, आंकड़े आप दे रहे हैं, मैं शबनम जी आंकड़े दे रही हूं, शबनम जी सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप बोलिएगा, उसको बात करेक्ट करिएगा। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन रहा था। देखिए दूसरी बात थी, आपने ओडीओपी की बात करी, आप मुझे बताइए जो आप लिस्टिंग बता रही हैं अमेजोन में, जो आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग है, आप मुझे बताइए जब हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया उसके बगल में मंडियां बननी थी, उन मंडियों का क्या हुआ, क्या आपने उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करी? वो सारे के सारे आप जो अभी आप सोचो जो अभी आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हो उसका हस्त्र आप देख लो, आप मंडियां बनाने की तो दूर की बात है। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आप कभी अगर आप कभी जाइएगा, आप दिल्ली गई होंगी उस एक्सप्रेस चल लीजिएगा, बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उसकी क्वालिटी आप देख लीजिएगा। तो हम समाजवादी लोग डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, बातों में विश्वास नहीं करते, और हमने आंकड़े जो बात करते हैं वो आंकड़े फेक नहीं करते, बातें सही बातें करते हैं। ये नहीं कि जातिवादी मानसिकता की बात कर दीजिए, ये नहीं कि आप जो क्या नाम है कोई ना कोई उल्टी पल्टी बातें, जैसे 86 में 54 यादव हो गए आपने चला दिया, आप लोगों ने चलवा दिया, आप भरे बड़ी बड़े मंच से बोलने लगे, लोगों के मन में झूठ पैदा कर दिया आप, जबकि मैं चैलेंज करता हूं स्वाति जी आपके चैनल के माध्यम से, जब उस समय जो आप लोगों ने फैलाया था, बीजेपी के लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया था कि 86 SDM में 54 SDM यादव भर्ती कर दिए गए, मैं चैलेंज करता हूं शबनम जी, अगर अगर ये आंकड़ा अगर सही होगा तो दोबारा कभी चैनल में बैठूंगा नहीं, ये जान लीजिए। ये फेक आंकड़े आप लोग पेश करते हो, जबकि 86 में 54 सीट थी ही नहीं, 86 सीट SDM की थी नहीं उस साल, अगर आप जानकारी कर लीजिए। लेकिन आप लोग को झूठ बोलना है, जैसे आप अभी बता रही थी कि हमारे समय में जो है 17% बेरोजगारी दर थी हमारी सरकार में, सपा की सरकार में, आज के टाइम में आपको बेरोजगारी दर जो आपके सामने बता रही है 4% भाई, आप 4 बार झूठे आंकड़े देंगे तो वो सच नहीं हो जाएगा, झूठ है मैं वही कह रहा हूँ, 50 बार दीजिए तो भी सच नहीं। मैं ये जो आंकड़े आपको दे रहा हूँ ये नीति आयोग के आंकड़े दे रहा हूँ, मैं अपने घर से आंकड़े नहीं लेके आया हूँ, ये समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, जो पहली योजना आयोग हुआ करता था, आप लोग नाम बदलने बहुत माहिर हैं, लेकिन काम क्या करोगे वो काम नहीं बताओगे। दूसरी चीज है कार्यकर्ता कहता था की, लेकिन संचल जी ये सारी बातें एक तरफ, अंतर आपके पास और दूसरी पार्टियों के पास नंबर गेम नहीं है, उस आधार पर आप मुकाबला फिलहाल करते दिख नहीं रहे, अपना नंबर गेम बढ़ाइए सर। देखिए विपक्ष के पास आज की तारीख में नंबर गेम नहीं है, एक नंबर गेम आधा अधूरा बना के उसका नाम रखा है, हमने पांच एक्सप्रेस वे बना लिया और आगे भी चार और बन रहा है, ये किसान मंडी की बात करते हैं पर कहीं धरातल पे किसान मंडी नहीं दिखता था इनके समय में, अब हमसे पूछ रहे आपने बनाया, हर चीज तो आपने बनाया नहीं, और जब बना देते हैं हम तो कहते हैं हमारा काम कर दिया, तो आपकी तो ऐसी ऐसी परियोजना रामसागर परियोजना 40 साल से कांग्रेस के जमाने से नहीं बनी, शबनम जी वो हमने एक बात का जवाब बड़ी ईमानदारी से दीजिएगा, योजनाएं हैं जो आप लोग 20-20 साल केवल पैसे की उगाही करने के लिए रखते थे, उन योजनाओं को पैसे की उगाही तो आप बात करिए मत, अभी हमारे एक साथी अस्पताल देखिए, तमाम बीजेपी के बहुत बड़े भक्त से इलाहाबाद से आज उन्होंने फोन किया कि चंचल भाई एरिया वालों ने 4 लाख रुपए ले लिए मकान पास कराने के लिए, भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार में चरम पे है, देखिए हर आदमी बोल रहा है, बीजेपी के एक भक्त हमारे मित्र हैं, उन्हें फोन किया कि चंचल भाई एडीए ने 4 लाख रुपए घूस ले लिए हमसे इलाहाबाद में प्रयागराज में, तो आप भ्रष्टाचार की अपनी बात मत करिए,
ये हर आदमी जान गया है, समझ गया है, चाहे पीडब्ल्यू विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कोई विभाग आप बात कर लो, आज के टाइम में, आज के टाइम में सारी चीजें अपनी बात कम्प्लीट कीजिए, उसके बाद समाप्ति की तरफ। देखिए स्वाति जी, मैं एक बात, इतने इतने बहुमत में राजधानी में आम जनमानस को आरओ से पानी खरीद कर पीना पड़ा, आरओ का पानी खरीद कर पीना पड़ा, यहाँ पर डायरिया हैजा और जो है तमाम तरह की बीमारियां फैल रही है। ये राजधानी है जहां ये स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। कुल मिलाकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम विकास पर जोर देना चाहिए। अगर मुझ पर नंबर नहीं है, विपक्ष पर नंबर नहीं है, तो इसका मतलब आपको ढाका लगाने का आपका भी तो दायित्व है। आप भी संघर्ष कीजिए ना जनता के मुद्दों पर, वो संघर्ष शायद अब कहीं दिख नहीं रहा है, और ये बात आपको माननी होगी शैलेन जी। नहीं नहीं, आप संघर्ष बात समझिए, संघर्ष किया जा रहा है, संघर्ष तमाम लोग है, विपक्ष विपक्ष के लोग जेलों में है, तमाम जगह संघर्ष हो रहा है, हर जगह आवाज उठाई जा रही है, टीवी चैनल पर, सड़क पर, संसद में, सदन में, हर जगह आवाज उठ रही है। ठीक है, समस्या ये है, सवाल मेरा थोड़ा सा है, नंबर कम है, डाका डालने का लाइसेंस मिल गया, सारी जांच चोरी करने का लाइसेंस मिल गया, आज के टाइम में आपके सरकार ने 1 रुपए का आपने 100 रुपए कर दिया, आपको भी सारी जांचें आपने पैसे की जांच कर दी, गरीब आम आदमी कैसे इलाज कराएगा, लोहिया अस्पताल के अंदर सारी जांचें फ्री आपकी होती थी, आज के टाइम में समय नहीं है, आपकी सरकार ने सारी की सारी जांचों को पैसे से कर दिया, आप बताओ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शबनम जी समय नहीं है मेरे पास में, किसी दिन और इस पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।